लेके आया हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बच्चे इसको बहुत आसान मानते भी हैं और अक्सर मिस्टेक भी इसी चैप्टर में करते हैं। तो आज हमें इस चैप्टर को हमने सोचा इस बार ऐसे बनाया जाए इसकी वीडियो कि आपकी सारी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाए और आप पेपर में मिस्टेक्स भी ना करें। जो पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं इसी चैप्टर में करते हैं, इसमें और स्टैटिस्टिक में, जबकि दोनों ही सबसे आसान है, सबसे इजीली इसमें नंबर क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। अब बातें ज़्यादा नहीं करते, पढ़ाई पे आते हैं। तो क्या है, इट इज़ अ चांस, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चांस और पॉसिबिलिटी। ये क्या बताता है, तो चांस और पॉसिबिलिटी के स्टडी को बताता है कि किसी भी चीज़ के होने की या नहीं होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी चांसेस क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी इवेंट के होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल जो फेवर में है और टोटल मतलब जो टोटल है, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं कि एक थैले में लाल और पीले गेंद है, रेड और येलो बॉल है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दो, इसकी संख्या पाँच है, फाइव है और ये क्या है, सेवन है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम, सेवन फाइव, सेवन और फाइव ट्वेल्व, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा रेड का, रेड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या पूछेगा, रेड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने देखा क्या, रेड बॉल कितने हैं, फाइव है और येलो बॉल कितने हैं, सेवन है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल जो आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व। और पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम हो जाएगा जो हमें रेड का निकालना है, तो रेड क्या है, ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा फाइव। तो इसकी, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ई। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम तो पाँच है और टोटल आउटकम कितना है, ट्वेल्व है, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई ट्वेल्व। तो ऐसे इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, एक घटना में, देखो इसमें दो बातें हैं, रेड और येलो, इस दोनों की हम प्रायोरिटी निकालते हैं, तो ऐड करके हमेशा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। देखो जैसे हमने देखा प्रायोरिटी ऑफ रेड क्या है, फाइव अपॉन ट्वेल्व, ऐसे हम लिखते हैं प्रायोरिटी ऑफ येलो, प्रायोरिटी ऑफ इवेंट येलो, ये कितना हो जाएगा, सेवन अपॉन ट्वेल्व। अब इसको हमें देखना है कि टोटल प्रायोरिटी कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा, पी ई ऑफ येलो प्लस पी ई ऑफ रेड, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई ट्वेल्व प्लस सेवन बाई ट्वेल्व, एल सी एम ट्वेल्व, फाइव प्लस सेवन, ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व। तो हमने क्या देखा, ये टोटल प्रायोरिटी कितनी हो गई, वन हो गई। तो हमेशा जो सब पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, टोटल इवेंट को यदि हम सम करते हैं तो हमेशा कितना आता है, वन आता है, ठीक है। अब इसका हमने एग्जांपल यहाँ भी दिया कि यदि कोई इवेंट जो है उसके होने की जो प्रायोरिटी है 0.4 है, तो नहीं होने की प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 - 0.4, डेट इज 0.6। अब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो होना ही नहीं है, ऐसे इवेंट का यदि पॉसिबिलिटी निकालते तो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हमारे पास रेड और येलो है और हमें पूछेगा इसमें से ग्रीन की प्रायोरिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वैसे ही जो श्योर इवेंट है, जो पक्का एक ही इवेंट होना है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे। अब हम चलते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको करने की तरफ अब हम चलते आगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा सबको, करीब करीब है। देखो बेटे, अब हमें क्या करना है, पढ़ना, अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो एग्जाम में आते हैं, ढेर बार पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्वाइन रिलेटेड सम्स। अब ये जो क्वाइन रिलेटेड सम्स हैं, उसमें तीन बातें हो सकती है। पहला क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा, एक क्वाइन होगा, सिंगल क्वाइन से हम यदि क्या करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो हो जाएगा, पहले देखो दो बातें होंगी उसमें, सिंगल क्वाइन लेंगे तो एक हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा, एक हेड और एक टेल, तो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हम दो क्वाइन लेते हैं तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यदि हम दो क्वाइन लेते हैं तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, दैट इज
हैड, या तो दोनों में हैड होगा, या एक में हेड हो दूसरे में टेल हो, या दूसरे में टेल हो और पहले में टेल हो दूसरे में हेड हो, या दोनों में क्या हो टेल हो, मतलब ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है टोटल आउटकम। और इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे देखो एक का स्क्वायर एक, तो इसका टोटल आउटकम कितना होगा एक, टू का स्क्वायर फोर, टोटल आउटकम कितना होगा फोर, टू का क्यूब एट, तो इसका जब थ्री क्वाइन से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा एट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एट प्रोबेबिलिटी हो सकती है फोर, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल जो आउटकम्स कितने होंगे एट होंगे। अब एट कैसे होंगे, या तीनों में हेड हो सकता है, दो में हेड हो एक में टेल हो, या फिर एक में हेड हो दो में टेल हो, या फिर हेड टेल हेड हो, या फिर टेल 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 हो, या टेल टेल हेड हो, या फिर टेल हेड हेड हो, या टेल हेड टेल हो। तो आप इसको ऐसे बता देखो, तीनों में एच ले लिया, एक अचार दिया टी हो गया, फिर दूसरा भी एच हटा दिया दो टी हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ तीनों टी आ रहे हैं, उससे पे देखते हैं कि और कोई बन रहा है, हाँ हेड टेल और हेड बन रहा है हमने उसका, तो ऐसे करके हमने लिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे टू क्वाइन पे क्या आएगा क्वेश्चन, जैसे कि अ प्लेयर टॉस टू क्वाइंस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो अब दो क्वाइन को हम करते हैं, टू हेड कितनी बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन अपॉन में फोर, मतलब टोटल आउट फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, तो भैया एक हेड तो यहाँ भी है, एक हेड यहाँ भी है और एक हेड यहाँ भी है, तो टोटल कितने हो गए थ्री हो गए, तो फेवरेबल आउटकम हो गया थ्री, टोटल आउटकम है फोर। आ रहा है समझ में, तो ध्यान से देखिए बाबू, अरे बहुत मज़ा आएगा करने में ये। अब कह रहा है नो हेड, हेड हो ही ना, तो ऐसा कौन सा कंडीशन कि हेड नहीं है भैया, ये तो एक ही कंडीशन है, वो क्या है जिसमें हेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, तो फेवरेबल आउटकम हो गया वन और टोटल आउटकम कितना हो गया फोर। अब कह रहा है वन हेड हो, वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो एक दो तीन, नहीं वन ही हेड हो, इसमें तो दो दो हेड है तो आएगा नहीं, वन हेड पूछा तो इसमें एक है, इसमें जब एटलीस्ट कहेगा तो इसको भी लेंगे, और जब केवल कह रहा है हमें वन हेड का, तो इसमें वन हेड है और इसमें भी वन हेड है, तो कितना हो जाएगा टू अपॉन फोर, इसको काट दो तो वन अपॉन टू हो गया। देखो भाई मेरे, अब क्या पूछ रहा हूँ मैं, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि एक हेड अधिक से अधिक हो, ना हो तो भी चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा ना हो, तो एक हेड का है भैया यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया थ्री अपॉन फोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री बार थ्री क्वाइंस की, जब थ्री क्वाइंस हम एक साथ करते हो क्या होता है वन हेड, वन हेड को हम देखते हैं वन हेड कहाँ कहाँ पे, ये जिसमें एक ही हेड हो, ऐसे कितने कंडीशन है, तो देखो आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन है वन हेड है, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है कि वन हेड है, और यहाँ पे एक कंडीशन है क्या है वन हेड है, टोटल कितने हो गए थ्री अपॉन एट, कितने हो गए थ्री अपॉन एट हो गए। अब हमें बात करना है कि टू हेड, टू हेड कितने में है, तो हम देखते हैं टू हेड को भी काउंट कर लेते हैं, तुम्हारे पास है एक ये दो और ये तीन, तीन कंडीशन यहाँ भी है जिसमें डबल डबल हेड है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो गया थ्री अपॉन एट। देखो खासा फोकस करना है आपको इस बात पे कि ये कैसे हुआ, ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा वीडियो, आपको दोबारा वॉच कीजिएगा समझ जाएगा। अब है ऑल हेड, जिसमें क्या हो सारे के सारे क्या हो हेड हो, तो ये क्या है एक ही है ऐसा कंडीशन जिसमें सारे में क्या है हेड है, दैट इज़ वन अपॉन एट, वन अपॉन एट, समझ में आ रहा है सबको। अब हमें क्या देखना है, अगला क्वेश्चन है हमारा एट लीस्ट टू हेड, तो भाई मेरे एटलीस्ट टू हेड कहाँ मिलेगा, कम से कम दो हेड, तो देखो इसमें भी भैया दो हेड है एटलीस्ट टू में, इसमें दो तो है ही, इसमें भी दो है, तो दो कंडीशन हो गए, इसमें भी है तीन हो गए और इसमें भी टू हेड है, तो कितने हो गए फोर अपॉन एट, काट दो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, समझ में आ रहा है ना भाई, जहाँ दिक्कत हो बाबू बोलना जरूर है कि सर इस टॉपिक को फिर से क्लैरिफाई कर दो, या फिर वीडियो को दोबारा गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ, नहीं आने का मतलब ही नहीं, पक्का आएगा ही समझ में, दैट इज फोर अपॉन एट, दैट इज वन अपॉन टू। अब क्या है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, भाई इसमें भी है एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम ऐसे सात कंडीशन देखते हैं जिसमें क्या है कम से कम क्या है एक हेड है, सेवन कंडीशन ऐसे हैं, तो क्या हो जाएगा सेवन अपॉन एट। अब क्या है ऑल टेल, जिसमें सारे टेल ही होते हैं, ऐसा कंडीशन तो बाबू एक ही है जिसमें सारे टेल हों, तो ये कितने हो गए, कितने हो गए एक, और टोटल आउटकम कितने हैं वन, तो दैट इज वन अपॉन एट। अब क्या रहा है एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, कम से कम एक हेड हो और एक टेल हो, ऐसा कंडीशन हमारे पास, तो देखो बेटा हमारे पास वन
हेड और वन टेल कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें तो है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसमें है वन हेड वन टेल ले लेंगे, एक दो तीन, इसमें नहीं है छोड़ देंगे, तीन हो गया, वन हेड चार पाँच और छः, छः कंडीशन ऐसे हैं जहाँ कम से कम एक हेड है और एक टेल है, तो ये क्या हो जाएगा 6/8, क्या हो जाएगा 6/8। और दूसरा क्या है, एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट फिर वही से आ गया जो हमने कहा था एटमोस्ट वन हेड, यहाँ क्या है एटमोस्ट टू हेड, अधिक से अधिक दो हो, उससे कम होगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो, ऐसा कंडीशन कितने कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो जब एटमोस्ट की बात करते हैं, अधिक से अधिक हमारे पास जो है उसकी बात करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, हमें एक ही कंडीशन दिखता है जहाँ जो है दो हेड से ज़्यादा है, तो उसको हम छोड़ देंगे इसको, बाकी सबको काउंट कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक, तो कितने बच गए 7, टोटल 8 है, और एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ क्या है दो से ज़्यादा हेड है, तो उसको छोड़ के बाकी सबको ले लेंगे, दैट इज़ 7/8। यदि आपने इसको पूरे को फोकस कर लिया ना बेटा, तो क्वाइन वाला कोई सा भी जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में आपसे बच के नहीं जाएगा, आप उसको पूरा करके आओगे, और जितने नंबर का आएगा उतने नंबर आप गेट ही करोगे, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है, और होपिंग कि आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है बेटा।